सभी का स्वागत है दोस्तों नीलेश धमाका यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं रतलाम जिले के ग्राम धामनोद में। आज मैं आपको धामनोद की कहानी बताऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना कहीं देखी होगी। तो चलिए चलते हैं धामनोद गांव। गांव के दो वरिष्ठ व्यक्ति हीरा काका और राजू चाचा, इन दोनों की दोस्ती सभी दोस्तों के लिए एक मिसाल पेश करती है। 70 साल पुरानी इनकी दोस्ती की यादें जो आज भी इस गाड़ी के पहिए की तरह लगातार दौड़ रही है और आगे बढ़ रही है। आज मैं आपको धामनोद गांव की जो भी जानकारी देने वाला हूं वो मुझे हीरा काका ने बताई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से 15 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक छोटा सा गांव धामनोद, एक प्यारा सा गांव धामनोद, दिलों की गहराई को छूने वाला गांव धामनोद, सबके दिलों में उतरने वाला गांव धामनोद। हर देश, हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में कोई न कोई तो ऐसी बात होती है जो लोगों के दिलो दिमाग को छू लेती है। धामनोद गांव में भी एक खासियत है और वो खासियत है यहाँ का फेमस कालिका माता जी का मंदिर। इस मंदिर में आने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है, इसलिए यहाँ पर रतलाम, सेलाना, नामली, पिपलोदा, जावरा हर क्षेत्र के भक्त यहाँ पे आते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। हर साल रतलाम से केदारेश्वर तक पैदल छड़ी यात्रा निकलती है। इस यात्रा के दौरान यात्री यहाँ पे रात में रुकते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं और सुबह निकल जाते हैं केदारेश्वर की ओर। धामनोद गांव के बीचों बीच में से निकलने वाला ये मुख्य रोड मध्य प्रदेश के इंदौर से राजस्थान के उदयपुर को जोड़ता है, जिसका लाभ धामनोद के नगरवासियों को मिलता है। इस रोड के कारण उन्हें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, सेलाना, बांसवाड़ा और उदयपुर जाने में काफ़ी सुविधा रहती है। धामनोद की गलियों के ये शानदार नज़ारे, अगर एक बार कोई धामनोद आ जाए तो उसका जाने का दिल न करे। संपूर्ण भारतीयता की झलक धामनोद की गलियों में दिख रही है। धामनोद के लोग काफी संपन्न हैं और यहाँ खेती ज्यादा होती है। धामनोद के खेतों में उगती है भिंडी, लौकी और मटर फली की फलियां और उससे भी सुंदर लगती है ये धामनोद गांव की गलियां। हर इंसान सपनों की दुनिया में खो जाएगा। हर इंसान सपनों की दुनिया में खो जाएगा अगर एक बार वो धामनोद आएगा तो धामनोद का ही हो जाएगा। इतना शानदार वातावरण है धामनोद का और इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग और इतना अच्छा है इनका व्यवहार। मध्य प्रदेश के दर्शकों से मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि धामनोद गांव के फंटे से दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो आने वाले सालों में पूरा हो जाएगा और वो बनने के बाद
धामनोद गांव की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे और धामनोद गांव का विकास दोगुनी स्पीड से होगा। दिल्ली से मुंबई तक लोग जानेंगे कि धामनोद कहाँ है, कहाँ है धामनोद। धामनोद गांव इतना सुंदर है कि यदि कोई एक बार धामनोद को घूम ले तो उसे मजा आ जाए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि धामनोद गांव की पहचान किन जगहों से होती है। सबसे पहले श्री साईनाथ मंदिर धामनोद, श्री कालिका माता मंदिर धामनोद, गोवर्धन सागर तालाब धामनोद, पटेल फोटो स्टूडियो धामनोद, गांधी चौक धामनोद, श्री कृष्णा मंदिर धामनोद और धामनोद चौपाटी। अब मैं आपको धामनोद के आसपास पड़ने वाले गांवों की जानकारी दे देता हूं। धामनोद से पंचेड़ लगभग 6 किलोमीटर, धामनोद से नामली लगभग 10 किलोमीटर, धामनोद से सेलाना लगभग 6 किलोमीटर, धामनोद से पिपलोदा लगभग 21 किलोमीटर और धामनोद से रतलाम लगभग 15 किलोमीटर। आसपास के सभी गांवों और शहर जाने के लिए 24 घंटे वाहन सुविधा उपलब्ध रहती है जो धामनोद के बस स्टेशन से मिल जाती है। खान पान के मामले में भी धामनोद गांव रतलाम के समानांतरी है। यहां के लोगों को भी पोहा, समोसा, कचौरी, जलेबी और आलू बड़ा खूब भाते हैं और यहां भी रतलामी सेव बनती है।